अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो चैप्टर नंबर 9 के एमसीक्यूज़ जो हैं उसका जो है वो जल्दी से रिव्यू ले लेते हैं। वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन, वेरिएबल्स कहाँ क्रिएट होते हैं, हमने पढ़ा था वेरिएबल की डेफिनेशन के अंदर रैम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड करेक्टर कॉन्स्टेंट, इनमें से कौन सा करेक्टर कॉन्स्टेंट है। करेक्टर कांस्टेंट बेटा आपको पता है सिंगल कोटेशन के अंदर कोई लेटर, कोई डिजिट या कोई सैम्बल अगर सिंगल कोटेशन के अंदर लिखा हो तो वो करेक्टर कांस्टेंट होता है। तो ए के साथ कुछ भी नहीं है, बी डबल कोटेशन में है, इक्वल साइन के साथ भी कुछ भी नहीं है, सिक्स जो है ये सिंगल कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है, सो इट इज़ अ करेक्टर कांस्टेंट। विच ऑफ द डेटा टाइप ऑफर द हाइएस्ट प्रिसीशन, प्रिसीशन हमने बेटा पढ़ा था कि प्रिसीशन क्या है, जो हमारे पास फ्लोट डेटा पॉइंट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं, पॉइंट वाले जो नंबर्स होते हैं उनके लिए कौन कौन सी डेटा टाइप इस्तेमाल होती है। फ्लोट डबल एंड लॉन्ग डबल, तो ये दो ऑप्शंस तो वैसे ही ख़त्म हो गए, ठीक है। अब दो रह गए, फ्लोट एंड लॉन्ग डबल। प्रिसीशन हमने क्या देखा था, प्रिसीशन का मतलब है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आप डाल सकते हो। तो फ्लोट डेटा टाइप के अंदर पॉइंट के बाद आप 6 डिजिट तक नंबर लिख सकते हो, मतलब पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आ सकते हैं, इसके बाद वाले इग्नोर हो जाएंगे। डबल के अंदर ना पॉइंट के बाद 9 डिजिट्स आप लिख सकते हो। लॉन्ग डबल के अंदर आई थिंक 15 होते हैं, 15 होते हैं कि 19 है, 6। तो सबसे ज़्यादा प्रिसीशन जो है वो लॉन्ग डबल की होती है, इसके 15 या 19 डिजिट जो है ये हम इसके बाद लिख सकते हैं, मेरे अभी एग्जैक्ट जेन में नहीं आ रहा, 19 है आई थिंक इसकी प्रिसीशन। अच्छा जी, उसके बाद देखिए, व्हेन द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टू वेरी स्मॉल नंबर्स इज टू स्मॉल टू बी रिप्रेजेंटेड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड, वो कह रहा है कि जब कोई बहुत से दो छोटे नंबर्स के ऊपर हम कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसका रिजल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल आ जाता है। फॉर एग्जांपल 0.0002 प्लस 0.0000001, अगर वो कह रहा है कि हमारे पास टू स्मॉल नंबर्स है, जब हम इनके ऊपर कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल आ जाएगा। लेट्स फॉर एग्जांपल इस तरह आ रहा है, तो इसको बोला जाता है अरिथमेटिक अंडरफ्लो। द प्री डिफाइंड वर्ड को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कीवर्ड भी बोला जाता है या रिजर्व वर्ड भी बोला जाता है। हाउ मैनी कीवर्ड्स आर इन सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज के अंदर टोटल कितने कीवर्ड्स हैं, 32। ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। आ क्वांटिटीज हुज वैल्यू मे चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान किसकी क्वांटिटी चेंज हो जाती है, वैल्यू चेंज होती है वेरिएबल की। आ क्वांटिटीज हुज वैल्यू कैन नॉट चेंज, और किसकी चेंज नहीं होती, कॉन्स्टेंट की, ठीक है। डैश इज नॉट ए वैलिड वेरिएबल नेम, इनमें से कौन सा वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है। 6 अंडरस्कोर एक्स वाई सी, क्यों नहीं है, क्योंकि वेरिएबल नेम का फर्स्ट डिजिट नंबर नहीं हो सकता, या तो वो लेटर होगा, ये देखिए इसमें भी लेटर है, इसमें भी लेटर है, इसमें भी लेटर है, तो इसमें जो फर्स्ट डिजिट लेटर लिखा हुआ है वो 6 है, तो हमारे वेरिएबल का जो फर्स्ट लेटर है वो डिजिट नंबर नहीं हो सकता। द सैम्बल इज इक्वल रिप्रेजेंट, इक्वल का सैम्बल किस लिए इस्तेमाल होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए।
विच ऑफ द ऑपरेटर हैज़ द लोएस्ट प्रेसिडेंसी, इनमें से सबसे लोएस्ट प्रेसिडेंसी किसकी है। प्रेसिडेंसी टेबल याद करने की कोशिश करें, सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंसी हमारे पास थी नॉट इक्वल ऑपरेटर की और सबसे लोएस्ट प्रेसिडेंसी थी हमारे पास इक्वल साइन की। रिलेशनल ऑपरेटर्स को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस इक्वल, ग्रेटर इक्वल, ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर, उनको किस लिए इस्तेमाल किया जाता था, वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए। डैश इज़ ए वैलिड वेरिएबल नेम, इनमें से कौन सा वेरिएबल नेम जो है वो वैलिड है। 2s वैलिड नहीं है क्योंकि इसमें फर्स्ट डिजिट आ रहा है। 2-s भी नहीं है क्योंकि इसमें एक तो फर्स्ट लेटर जो है वो डिजिट है, दूसरा माइनस का सैम्बल इसमें अलाउ नहीं है। s-2 इसमें भी माइनस का सैम्बल आ रहा है, अलाउ नहीं है। s2 इसमें हमारे पास वेरिएबल नेम के अंदर लेटर्स भी इस्तेमाल हो सकते हैं, डिजिट भी इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन पहला लेटर जो है वो हमारे पास अल्फ़ाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए। तो s2 इज़ करेक्ट आंसर, s2। ये जो है मैं आपको ये वाले MCQs वाला पेज जो है वो WhatsApp ग्रुप में सेंड भी कर दूंगी, तो आपने वहाँ से अच्छे से तैयार कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर्स कैन नॉट बी यूज एज फर्स्ट करेक्टर ऑफ वेरिएबल नेम, इसमें से कौन सा वेरिएबल नेम के पहले करेक्टर के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो सकता। एक्स जो है ये लेटर है, ये भी हो सकता है। जी लेटर है, ये भी हो सकता है। ए लेटर है, ये भी हो सकता है। 5 digit है, ये वेरिएबल नेम का पहला करेक्टर नहीं हो सकता। सो करेक्ट ऑप्शन इज 5। इन सी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ वेरिएबल नेम इज, वेरिएबल नेम की मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है, ये भी हमने आइडेंटिफायर में भी पढ़ा था, वेरिएबल नेमिंग रूल्स में भी पढ़ा था। 31। सी इज अ स्ट्रोंगली टाइप्ड लैंग्वेज, सी एक स्ट्रोंगली टाइप्ड लैंग्वेज है, इसका क्या मतलब है, ये हमने पढ़ा था वेरिएबल डिक्लेरेशन में। सी को स्ट्रोंगली टाइप्ड लैंग्वेज क्यों बोला जाता है, क्योंकि एवरी वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर, कि हर वेरिएबल को डिक्लेयर करना है इस्तेमाल से पहले। द लॉजिकल नॉट ऑपरेटर इज डिनोटेड एज, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर किस किस्म का ऑपरेटर है, टर्नरी, 3 वाला, बाइनरी, 2 वेरिएबल्स के साथ काम करता है, बिटवाइज, 101 वाला, यूनरी ऑपरेटर। तो ये क्या है, यूनरी ऑपरेटर है, सिंगल ऑपरेंड के साथ काम करता है, सिंगल वेरिएबल के साथ काम करता है। ए प्लस इज इक्वल्स टू बी किसके बराबर है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर आ गया। तो ये हमने पढ़ा था कि ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए, अब ये वाला ऑप्शन ढूंढे किस में है, सी में, दिस इज करेक्ट आंसर। द वर्ड यूज टू राइट स्टेटमेंट्स ऑफ ए प्रोग्राम, एक प्रोग्राम में स्टेटमेंट्स लिखने के लिए जो पहले से बने हुए वर्ड इस्तेमाल करते हैं उनको क्या बोला जाता है, कीवर्ड्स। डैश एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्राम इज नॉट टोकन, अच्छा अभी हमने कमेंट नहीं पढ़ा, ठीक है, इसका आंसर है कमेंट। कमेंट हम इंशाल्लाह ताला आज के लेक्चर में पढ़ेंगे, बस नेक्स्ट लेक्चर में। इन सी द कमेंट्स आर रिटन इन प्रोग्राम बिटवीन, कमेंट्स बेटा रिमार्क्स होते हैं आपके प्रोग्राम के अंदर, जो आपके प्रोग्राम की रीडेबिलिटी में इजाफा करते हैं। कंपाइलर इनको एग्जीक्यूट नहीं करता। 2 तरह के कमेंट्स होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट को लिखने से पहले आप डबल स्लैश इस्तेमाल करते हो, मल्टी लाइन कमेंट उसके लिए आप स्लैश स्टैरिक, दरमियान में जो भी आपने लिखना है उसके बाद स्टैरिक स्लैश, ये मल्टी लाइन कमेंट है। तो कमेंट्स के लिए अब आपको भी पता चल जाएगा कि इनमें से कौन सा सैम्पल कमेंट्स के लिए, ये वाला भी हमने पढ़ा। डैश इज़ यूज टू डिक्लेयर अ रियल डेटा टाइप,
रियल डेटा टाइप का मतलब है पॉइंट्स वाली, फ्रैक्शन वाले नंबर्स के लिए किस किस्म की डेटा टाइप इस्तेमाल होती है, फ्लोट। डैश डेटा टाइप टेक्स ओनली 1 byte इन मेमरी, कौन सी डेटा टाइप है जो मेमरी में 1 byte लेती है, करेक्टर। एन आइडेंटिफायर हुज वैल्यू कैन बी चेंज, ये वेरिएबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेरिएबल नेम, ये रिपीट हो रहे हैं। विच करेक्टर कैन नॉट बी यूज इन वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम के अंदर कौन सा करेक्टर इस्तेमाल नहीं हो सकता। अंडरस्कोर भी इस्तेमाल होता है, ए भी इस्तेमाल होता है, सी भी इस्तेमाल होता है, कोमा कोमा इस्तेमाल नहीं होता। हाउ मैनी बाइट्स, डबल डेटा टाइप कितनी बाइट्स लेती है, 8। लॉन्ग डेटा टाइप मेमरी के अंदर कितनी बाइट्स लेती है, 4। अभी हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है 0.123 मल्टीप्लाई 10/6, इसकी प्रिसीशन कितनी है। प्रिसीशन कैसे हम देखेंगे, ये देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट लिखे हुए हैं, 1, 2, 3, 3, तो इसकी प्रिसीशन क्या है, 3। फ्लोट डाटा टाइप हैज़ ए प्रिसीशन ऑफ 6, फ्लोट डाटा टाइप की कितनी प्रिसीशन है, 6। डबल डाटा टाइप की कितनी प्रिसीशन है, 15। तो लॉन्ग डबल डाटा टाइप की कितनी प्रिसीशन होगी, 19। आई वॉज कन्फ्यूज बिटवीन 15 एंड 19। फ्लोट डाटा टाइप की रेंज क्या है बेटा, ये है 10^-38 टू 10^-38, ये आपको याद करनी है। डबल की हमारे पास ये रेंज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू डिक्लेयर, दोबारा से वही आ गया कि रियल डाटा टाइप वाले नंबर्स को स्टोर कराने के लिए कौन सी डाटा टाइप इस्तेमाल होती है, फ्लोट। इंटीजर मेमोरी में कितनी बाइट्स ऑक्यूपाई करते हैं, 2, कोई बात नहीं। डैश इज अरिथमेटिक ऑपरेटर, इनमें से कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेटर है, प्लस माइनस डिवीजन मॉडुलस, ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं, तो ये मॉडुलस आ गया। करेक्टर कांस्टेंट सिंगल कोटेशन वाला हो गया। डैश इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर कौन सा होता है, प्लस प्लस वाला। मॉडुलस ऑपरेटर कौन सा है, ये तो बहुत सारे पढ़े हुए हैं। इफ ए इज इक्वल्स टू 19 तो बी का आंसर क्या आएगा, ए का मॉड 5 से लेना है, ए की वैल्यू 19 अंदर रखी, 5 को बाहर रखा, 5, 3, 15, 4 जो बाकी बचता है वो मॉडुलस का आंसर होता है। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4। अगला है कि इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या आएगा, 3+3 × 5। बेटा यहाँ पे हम प्रेसिडेंसी देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंसी हायर होती है और प्लस की प्रेसिडेंसी लोअर होती है, तो जिसकी प्रेसिडेंसी हायर है पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम सॉल्व करेंगे 3 × 5 को, क्या आंसर, 3+3 × 5 में पहले हम सॉल्व करेंगे 3 × 5 को, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंसी हाई होती है, आंसर आ जाएगा 3+3, 5, 15, फिर प्लस को सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा 18। सो 18 इज आंसर। बेटा एक मिनट है रो, करेक्टर डेटा टाइप मेमोरी में कितनी जगह ऑक्यूपाई करती है, करेक्टर डेटा टाइप मेमोरी में 1 byte ऑक्यूपाई करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, इनमें से कौन सा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, तो छोटा करती हूँ, हम ये वाला क्वेश्चन पढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, इनमें से कौन सा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा होगा। एंड इसमें लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ है, नॉट इसमें लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ है, ग्रेटर इसमें रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ है, ए बी प्लस सी डी इसमें हमारे पास प्लस इस्तेमाल हुआ है, सो इट इज़ अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन। प्रिसीशन सबसे हाई किसकी है, लॉन्ग डाटा टाइप की, लॉजिकल ऑपरेटर्स कितने हैं, एंड और नॉट, सो 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। डैश इज एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, इनमें से कौन सा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, वो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन होगा जिसके अंदर हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ होगा, तो प्लस ये वाला।
प्लस माइनस डिवीजन मॉडुलस एंड मल्टीप्लिकेशन आर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरीम के पापा इसको बोला इफ एक्स इज इक्वल टू 3 देन आफ्टर एग्जीक्यूटिंग एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस माइनस एक्स का आंसर क्या आ जाएगा 2, डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इसको कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर में कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस इज इक्वल टू 2। फिफ्टीन मॉड 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, 7, 14, 1। वट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट, वाई की वैल्यू ये है, एक्स की वैल्यू ये है, एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई। अब वाई फ्लोट टाइप का है, एक्स इंटीजर टाइप का है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो वाई की वैल्यू है 6.59। क्योंकि एक्स हमारे पास इंटीजर वेरिएबल है तो कंपाइलर ने पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को डिस्कार्ड कर देना है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जानी है 6, तो 6 इज आंसर। वट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के बाद एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस प्लस। तो ये किस तरह से रिसॉल्व होगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस प्लस, इस तरह से इसमें सॉल्व होना है। सो एक्स की वैल्यू 2 प्लस एक्स की वैल्यू 2, 2 और 2, 4 और बाद में इंक्रीमेंट इसमें एक हो जाना है 5, 5 इज आंसर। द नेम यूज टू रिप्रेजेंट वेरिएबल कॉन्स्टेंट, वेरिएबल कॉन्स्टेंट फंक्शन इन तमाम के नेम्स के लिए क्या बोला जाता है, इनको आइडेंटिफायर। कितने तरह के आइडेंटिफायर, 2 तरह के, यूजर डिफाइंड और स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर की एग्जाम्पल इनमें से कौन सी है, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। द रिजर्व कीवर्ड्स कैन नॉट बी, जो कीवर्ड्स होते हैं इनको दोबारा से डिफाइन नहीं किया जा सकता। इनिशियलाइजेशन ऑफ ए वेरिएबल रेफर्स टू, इनिशियलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, डिक्लेरेशन के दौरान आप जो वैल्यू असाइन करते हो। इस एक्सप्रेशन का उसने बोला है कि आंसर बताएं, वाई इज इक्वल्स टू y प्लस 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 y, इसमें पैरेंथेसिस आ गई हैं तो सबसे पहले y में हम इंक्रीमेंट करेंगे, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, और y की वैल्यू 4 और 4 कितनी हो गई हमारे पास 8, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास 8। वैलिड वेरिएबल नेम कौन सा नहीं है, फ्लोट, फ्लोट क्योंकि कीवर्ड है। डेटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर रियल वैल्यूज, रियल वैल्यूज़ के लिए कौन कौन सी डेटा टाइप इस्तेमाल होती है, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल, तो आंसर आ गया ऑल। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा कैन बी स्टोर्ड इन इंटीजर वेरिएबल, इंटीजर वेरिएबल में इनमें से कौन सा डेटा स्टोर हो सकता है। अब ये डबल कोटेशन में लिखा हुआ है ये स्ट्रिंग डेटा है, ये पॉइंट में लिखा हुआ है ये फ्लोट डेटा है, ये 487596 इंट की रेंज से ज़्यादा है, तो आंसर इसका आ गया नन। डैश इज़ नॉट ए वैलिड स्टेटमेंट, चार, चार वेरिएबल का नेम चार नहीं हो सकता क्योंकि चार क्या है, एक कीवर्ड है। टू स्टेटमेंट इज़ वैलिड फॉर वेरिएबल्स, इनमें से कौन से वैलिड वेरिएबल हैं, फ्लोट, हाइट भी वैलिड है, इंट एक्स वाई जी भी वैलिड है, डबल मार्क्स भी वैलिड है, सो ऑल। आज के विच वन इज़ अ वैलिड वेरिएबल नेम, तो एट इसमें आ गया है, ये भी वैलिड नहीं है, हैश भी वैलिड नहीं है, प्लस क्योंकि कोई भी साइन
हमारे पास वेरिएबल नेम में अलाउ नहीं है सिवाय अंडरस्कोर के, सो दिस इज वैलिड वेरिएबल। एक वेरिएबल मैक्सिमम कितनी डेटा टाइप्स के लिए डिक्लेयर किया जा सकता है? ओनली वन डेटा टाइप के लिए। इनिशियलाइजेशन वैलिड कौन सी हैं? सारी वैलिड हैं। करैक्टर कांस्टेंट कौन से हैं? ये भी सिंगल कोटेशन में है, ये भी सिंगल कोटेशन में है, ये भी सिंगल कोटेशन में है, ऑल। इंट की रेंज क्या है? एक्सप्रेशन में क्या क्या होते हैं? ऑपरेटर्स भी होते हैं और ऑपरेंड्स भी होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है? बोथ ए एंड बी। ये ना जैसे ए प्लस बी, ए और बी ऑपरेंड्स हैं प्लस हमारे पास ऑपरेटर है, तो ये एक एक्सप्रेशन बन गया। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में क्या कुछ हो सकता है? वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी, ऑल। इनमें से कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेटर नहीं है? प्लस भी है, डिवीजन भी है, मॉड भी है, क्रॉस ये वाला नहीं है। जब टू और थ्री इसका हम मॉड लेंगे तो हमारे पास, जब भी मिनिमम वैल्यू के साथ हाईएस्ट वैल्यू का मॉड लेंगे तो मिनिमम आंसर आता है टू। फॉर एग्जांपल आपने वन मॉड थ्री लिया ना, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, आपने डायरेक्ट आंसर क्या लिख देना है? वन। आपने मॉड लिया फाइव मॉड सेवन, ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है, आंसर क्या आ जाना है? फाइव। आपने मॉड लिया थ्री मॉड एट, ये वैल्यू छोटी है, ये बड़ी है, आंसर क्या आ जाना है? थ्री। सो टू मॉड थ्री का आंसर क्या आ जाना है? टू। आज के लिए इतना ही, बाकी हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।